سبحان پاک ہے ربی میرا رب الاعلى سب سے بلند سبحان ربی الاعلى پاک ہے میرا رب سب سے بلند جزاكم الله خير داوي نفوسنا داوي نفوسنا अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में नाज़रीन, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको आप टीपीआई के जरिए से कीजिए। टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, यानी आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, आप हमारे साथ बोलिए, कहिए और बताइए, शौक से पढ़िए, मिलकर पढ़िए। इंशाल्लाह आप जल्दी सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। इसलिए कि अरबी जबान के कई सेगे हैं फ़ैल के, और अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा याद रखना, लेकिन जब आप इशारों से उनको याद करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से ये सारे सेगे याद हो जाएंगे आपको। इस एक्सरसाइज को, इन मशकों को शौक से करना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल मिसाल है, बाज़ हज़रात के ऊपर गिरा गुजरती है, लेकिन मिसाल बहुत अहम है। फर्ज कीजिए किसी शख्स के किसी हादसे में बदकिस्मती से आँख के 80,000 या 78,000 टुकड़े हो जाएं, और डॉक्टर उन टुकड़ों को उसके सामने रखे, शख्स के वो अंधा है, लेकिन उसको कहे कि भाई यहाँ पर टुकड़े रखे हुए हैं और ये आप लगा लीजिए इन टुकड़ों को, आपकी बसारत वापस आ जाएगी, और यहाँ पर इधर साइड में 100 200 500 के पीस मिला हुआ है, ये लगा सकते हैं आप। अपनी बसारत का सवाल है तो सोचिए किस मोहब्बत से, किस शौक से और किस केयर से वो एक एक टुकड़ा लगाएगा। इसलिए कि ये आंख की बसारत का सवाल है। ये जो ग्रामर की एक्सरसाइज है, ये वो बसारत दे रही है हमको। हम अंधे हैं, कुरान पढ़ते हैं लेकिन अंधों की तरह, इसलिए कि हमको नहीं मालूम अल्लाह ताला क्या कह रहा है। ये टुकड़े ग्रामर के, ये एक्सरसाइजेस वो बसारत देगी इंशाअल्लाह, जिससे हम कुरान करीम समझने के काबिल होंगे और जल्द से जल्द इस काबिल होंगे। हमने शुरू किया था फाला से, और पहला पैटर्न हमने किया फतहा का, और वो फाला जैसा ही है, जैसे फतहा फतहु फतहता फतहतुम फतहतु फतहना यफतहु यफतहुन तफतहु तफतहुन अफतहु नफतहु इफतह इफतहु ला तफतह ला तफतहु फातिह मफतूह फतह। फाला भी इसी पैटर्न पर आता है, जाला भी इसी पैटर्न पर आता है, और फतहा, ये तीन हमने अफाल किए। दूसरा नमूना था नसरा का, नसरा उसने मदद की, नसरा नसरु नसरता नसरतु नसरतु नसरना यंसुरु, सिर्फ ऊ का फर्क है इसमें, इन अल्फाज में यंसुरु यंसुरु तंसुरु तंसुरु अंसुरु अंसुरु उनसुर उनसुरु ला तंसुर ला तंसुरु, ये ऊ का फर्क यहां तक आता है, ऊ का असर। इसके बाद नासिर मंसूर नसर वैसे ही है जैसे फातिह मफतूह फतह फाइल मफूल फ़ैल। आज हम मजीद दो अफाल लेंगे, कफरा और जकरा, इसी पैटर्न पर, नसरा पैटर्न पर, इसलिए कि नसरा का नमूना, नसरा का बाब या इस बाब नसरा पर आने वाले अफाल कुरान करीम में और अरबी जबान में बहुत हैं। कफरा के दो माने हैं, कफरा मतलब उसने इनकार किया, और दूसरा माना है उसने नाशुक्री की। इसकी दलील क्या है? सिंपल दलील जो हम वितर की दुआ में पढ़ते हैं, वो नश्कुरु का वला नकफुरु का, वो नश्कुरु का हम तेरा शुक्र करते हैं, वला नकफुरु का और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। तो कुफर का दूसरा माना शुक्र के ऑपोजिट में है, तो कुफर इनकार करना या नाशुक्री करना। मैं गुजारिश करता हूं हमारे साथी रजा अहमद खान से कि वो आए और आपको इसकी प्रैक्टिस कराएं। इनके साथ आप अपने हाथों को जरूर इस्तेमाल कीजिए, हरकत में बरकत है। आप जानते हैं उर्दू का मकोला, हरकत में बरकत है, तो हरकत जरूर दीजिए। मैं नहीं समझता आपका हाथ बहुत वजन होगा कि आप उसको हिला ना सकें, लेकिन ये बिजली आपको बहुत मदद देगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, क्या आप तैयार हैं ग्रामर की प्रैक्टिस करने के लिए? ठीक है, ग्रामर की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज जो दो अल्फाज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, वो हैं कफरा और जकरा। कफरा का मतलब उसने इनकार किया, और जकरा उसने याद किया। तो
पहले तर्जुमा कीजिए, आइए मेरे साथ दोहराइए। कफरा उसने इनकार किया, कफरू उन सब ने इनकार किया, कफरता आपने इनकार किया, कफर तुम आप सब ने इनकार किया, कफर तू मैंने इनकार किया, कफरना हमने इनकार किया। यकफुरु वो इनकार करता है, यकफुरूना वो सब इनकार करते हैं, तकफुरु आप इनकार करते हैं, तकफुरूना आप सब इनकार करते हैं, अकफुरु मैं इनकार करता हूँ, नकफुरु हम इनकार करते हैं, उकफुर इनकार कर, इनकार करो, ला तकफुर इनकार मत कर, ला तकफुरु इनकार मत करो, काफिर इनकार करने वाला, मकफूर जिसका इनकार किया गया, कुफ्र इनकार करना, हुआ कफरा हिया कफरत, बाएं हाथ से नाज़रीन आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, हुआ कफरा हिया कफरत, हुआ यकफुरु हिया तकफुरु। ठीक है, आप तर्जुमा कीजिए, कफरा कफरु कफरता कफर तुम कफर तू कफरना यकफुरु यकफुरूना तकफुरु तकफुरूना अकफुरु नकफुरु उकफुर उकफुरु ला तकफुर ला तकफुरु काफिर मकफूर कुफर हुआ कफरा हिया कफरत हुआ यकफुरु हिया तकफुरु। तीसरे राउंड की प्रैक्टिस करते हैं हम सिर्फ अरबी में, कफरा कफरु कफरता कफरतुम कफरतु कफरना यकफुरु यकफुरूना तकफुरु तकफुरूना अकफुरु नकफुरु उकफुर उकफुरु ला तकफुर ला तकफुरु काफिर मकफूर कुफर हुआ कफरा हिया कफरत हुआ यकफुरु हिया तकफुरु। एक बार और, कफरा कफरु कफरता कफरतुम कफरतु कफरना यकफुरु यकफुरूना तकफुरु तकफुरूना अकफुरु नकफुरु उकफुर उकफुरु ला तकफुर ला तकफुरु काफिर मकफूर कुफर हुआ कफरा हिया कफरत हुआ यकफुरु हिया तकफुरु। इशारे से पहले मैं एक वजाहत कर दूं नाजरीन के लिए भी कि बाज़ लोग कहते हैं ये कैसी अरबी आप सिखा रहे हैं जिसमें मैंने कुफर किया हमने कुफर किया। ये पहली बात तो हमने सूरह काफिरों में देखा कि मुसलमान को भी काफिर होना चाहिए मगर तागूत का, मैंने इनकार किया तागूत का, ये एक बात हुई। दूसरी बात, हम यहाँ अपने अकीदे का बयान नहीं कर रहे हैं, अरबी जबान सीख रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस आखिरी राउंड में मेरे साथ पढ़िए आप लोग, कफरा कफरू कफरता कफरतुम कफरतु कफरना यकफुरु यकफुरूना तकफुरु तकफुरूना अकफुरु नकफुरु उकफुर उकफुरु ला तकफुर ला तकफुरु काफिर मकफुर कुफर हुआ कफरा हिया कफरत हुआ यकफुरु हिया तकफुरु। नाज़रीन अब हम ज़करा की प्रैक्टिस करते हैं, ज़करा यानी उसने याद किया, अब आप तर्जुमा कीजिए, ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतुम ज़करतु ज़करना यज़कुरु यज़कुरूना तज़कुरु तज़कुरूना अज़कुरु नज़कुरु उज़कुर उज़कुरु ला तज़कुर ला तज़कुरु।